नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाले हैं, और वैसे गर्मियाँ आने वाली हैं तो हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, और होटल या रेस्टोरेंट में खाया भी होगा। शादियों में, शादियों का सीज़न जब आता है, शादियों के सीज़न में आप सब ने खाया ही होगा कस्टर्ड। कस्टर्ड से आइसक्रीम भी बन सकती है। कस्टर्ड एक थिक सा होता है, आइसक्रीम जैसा होता है। तो आज हम वही बनाने वाले हैं, और मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कस्टर्ड कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये कस्टर्ड पाउडर, इतना ये कस्टर्ड पाउडर आप इतना कटोरी में ले सकते हैं। और आपको चाहिए पिसी हुई इलायची। इलायची को पीस के ऐसे भर दी। और आपको चाहिए इतनी चीनी, शुगर, इतनी चीनी आप ले सकते हैं। तो चलिए कस्टर्ड बनाना चालू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कस्टर्ड पाउडर में हमने दूध मिलाया है। तो अब हम बनाते हुए आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूध में डालेंगे सबसे पहले इतनी चीनी, फिर थोड़ा सा हिलाएंगे अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से। अब हमने इस कस्टर्ड का जो दूध बनाया था, अब हम इस दूध को इस दूध में डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, तो हमने कस्टर्ड का जो मिल्क बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने वो कस्टर्ड का जो हमने मिल्क बनाया था, दूध बनाया था, अब हमने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से हिलाना है। डालने के बाद हमें छोड़ना नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएं, छोड़ने से ये सड़ जाएगा सारा। उसको हिलाना है। और हमें इस कस्टर्ड को तब तक हिलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अभी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। और हिलाते समय ये भी देखना चाहिए कि कस्टर्ड नीचे चिपकना नहीं चाहिए। चिपकने से एक तो इसका स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, और इसमें से बदबू भी आने लगेगी। तो चिपकना नहीं चाहिए, और इसको तब तक हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो फाइनली अब हमारा ये कस्टर्ड अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये देखा आपने, हमने बहुत ही सिस्टम तरीके से हमने कस्टर्ड बनाया है। ये ऐसा भी है, हमने इस कस्टर्ड में अंगूर डाले हैं। ये देख सकते हैं आप, अंगूर आप इसमें अंगूर डालें, अनार भी डाल सकते हैं, चीकू भी डाल सकते हैं। चीकू के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल के और कस्टर्ड का मज़ा ले सकते हैं। तो ये वीडियो ये एंड करते हैं। देखा आपने कि कस्टर्ड कैसे बनाते हैं, आसान तरीके से, आसान तरीके है कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कस्टर्ड बनाइए, इंजॉय कीजिए, सर्व कीजिए, और कस्टर्ड का आनंद लीजिए। लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हम जाएँ, मुझे प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।